नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे होंडा शाइन 125cc इस बाइक का। सो लेट्स स्टार्ट इट। होंडा शाइन 125cc इस बाइक के पावर और परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक का जो फ्यूल टाइप पेट्रोल है, इसमें जो कूलिंग सिस्टम यूज़ किए वो एयर कूल्ड है। इसके साथ ही ये जो बाइक है वो मैक्सिमम 10.59 bhp एट 7500 rpm ये मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। इसके साथ ही इसमें 5 speed है मैनुअल। इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क यू है वो 11 Nm एट 6000 rpm ये मैक्सिमम टॉर्क यू इस बाइक में जनरेट हो जाती है। इसके साथ ही इस बाइक में जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम है वो फ्यूल इंजेक्शन टाइप है। इस बाइक में लगभग 10.5 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। इसके साथ ही जो रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी रहती है उसमें 1.3 लीटर्स के रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है। इसमें जो राइडिंग रेंज है वो 577 किलोमीटर के आसपास है। अगर इस बाइक के जो माइलेज के बारे में बात की जाए तो लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक का माइलेज है। अगर इस बाइक के ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में बात की जाए तो इसका जो फ्रंट ब्रेक टाइप है ड्रम है। इसके साथ ही जो रियर ब्रेक टाइप है वो भी ड्रम है। और जो फ्रंट ब्रेक साइज़ है 130 mm और जो रियर ब्रेक साइज़ है 130 mm। होंडा शाइन इस बाइक में जो फ्रंट एंड जो रियर टायर्स है वो ट्यूबलेस टायर यूज़ किए हैं। दोनों टायर्स आपको ट्यूबलेस मिलेंगे। इसके साथ ही इसमें अलॉय व्हील टाइप मिलेगा। इसके साथ ही जो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक है और जो रियर सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक टाइप है। इस बाइक का जो वेट है लगभग 115 kg इतना है। इसके साथ ही इसमें जो ग्राउंड क्लीयरेंस आपको मिलता है 162 mm। इस बाइक में जो ओडोमीटर यूज़ किया है वो एनालॉग टाइप है। इसके साथ ही जो DRLs यानी कि डेड टाइम रनिंग लाइट्स इसमें आपको नहीं मिलेगा। इस बाइक में जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ की है वो CBS टाइप है। इसके साथ ही इसमें जो जो ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ये आपको फीचर्स इसमें मिल जाएगा। इसके साथ ही जो स्पीडोमीटर है जो यूज़ किया है वो भी इसमें एनालॉग मिलेगा। इसमें आपको फ्यूल गेज टाइप मिलेगा। इस बाइक में जो ट्रिप मीटर यूज़ किया है वो एनालॉग टाइप है। इसमें आपको लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा लेकिन लो ऑयल इंडिकेटर इस बाइक में नहीं मिलेगा। वैसे इस गाड़ी में टर्न सिग्नल और पास सिग्नल अवेलेबल है। होंडा शाइन ये जो बाइक है वो इंडिया में 2 variants में एंड 4 colors में अवेलेबल है। अगर इस बाइक के माइलेज के बारे में बात की जाए तो ये बाइक लगभग 55 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको माइलेज इस बाइक में मिल जाएगा। होंडा ने बेहतरीन लुक के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया है। इस बाइक में लगभग 5 gears यूज किए हैं। सबसे बेहतरीन बाइक होंडा की तरफ से ये लॉन्च हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप न्यू बाइक ले रहे हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा अच्छी बाइक लेने में। अगर आपका बाइक लेने का जो बजट अच्छा है और आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बाइक चाहिए तो होंडा शाइन ये आपका बेहतर ऑप्शन है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।